उनको सरकारी गाड़ी एज प्राइम मिनिस्टर शेवरले इम्पाला मिली हुई थी। शेवरले इम्पाला उस समय बड़ी अच्छी गाड़ी लगती थी। उनके बेटे अनिल शास्त्री को बड़ा मन था कि मैं ये गाड़ी किसी दिन चलाऊंगा। अच्छा, पिताजी देते नहीं थे गाड़ी? नहीं नहीं, ये गाड़ी सरकारी, आप नहीं चला सकते। तो एक दिन पिताजी कहीं मीटिंग में थे, प्रधानमंत्री ये पीछे से आए, अपना गाड़ी वाड़ी निकाली और ले करके घूम फिर करके आए और वापस लाके गाड़ी लगा दी। अब बेटे ने जब गाड़ी पार्क कर दी, अगले दिन पिता को पता लग गया, शास्त्री जी को समझ आ गया, लग रहा है कुछ गड़बड़ गाड़ी इस्तेमाल हुई। तो ड्राइवर ने बताया, हाँ आपका बेटा ले गया था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, चेक करो कितना किलोमीटर चली थी, कल कितनी चली थी और आज कितनी है, डायरी निकाल के चेक करके बताओ। तो बोले 14 किलोमीटर चली है साहब। तो बोले मेरा बेटा 14 किलोमीटर चलाया है गाड़ी? हाँ जी 14 किलोमीटर। कोई बात नहीं, क्या स्टोरी है, क्लियर कट ऑन पे कट। इन्होंने फटाफट से कागज निकाला और चिट्ठी लिख दी कि 14 किलोमीटर का तेल की को अगले मेरी आने वाली तनख्वाह से काट लिया जाए, क्योंकि ये मेरे पर्सनल इस्तेमाल के लिए यूज की गई थी।